राहुल गांधी का तो चेहरा मतलब दिख ही नहीं रहा है अभी। हाँ चेहरा तो नरेंद्र मोदी जी का दिख रहा है, वही दिख रहा है। अच्छा और भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में और कोई ऐसा नेता नहीं है क्या जो नरेंद्र मोदी की जगह पर खड़े हो जाए? आप कहीं नेता होगा तो हम क्या देखते हैं, गांव खड़े के लोग जी। अच्छा सर, कितने समर्थन मूल्य पर किया? अभी तो 2183 की रेट से किया, लेकिन यहाँ पर तो बोला गया था 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी किसान से करेंगे सोसाइटी में। उसका क्या हुआ? वो उसके बारे में बोनस के रूप में पैसा आएगा बोल रहे हैं। अच्छा कब आएगा सर? अब पता चलेगा कब आता है, तो चुनाव के पहले या चुनाव के बाद ये नहीं कह सकते। अच्छा दीदी मेरे को बताओ, आपके क्षेत्र के विधायक का नाम क्या है? क्या मेरे को मालूम नहीं है तो क्या बताऊंगी। दोस्तों नमस्कार, मैं सावित्री दानी। आज हम फिर से आए हैं मध्य प्रदेश में एक नया सर्वे करने, और यहाँ पर हम जानेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन है, कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो कि कांग्रेस और भाजपा से खड़ा होगा सांसद के रूप में। हम यहाँ पर जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, कि वापस नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे या उनकी जगह और कोई आ सकता है, या जो गठबंधन हुए हैं कांग्रेस में उसके हिसाब से और कोई भी नया प्रत्याशी जो होगा वो बन सकता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं यहाँ पर, है ना भैया? नमस्कार। नमस्कार भैया, आप इसी गांव से हैं? नहीं, मैं किनी जामड़ी मेटा से। जामड़ी मेटा से हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जो अभी लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं, है ना, उनमें क्या कांग्रेस और भाजपा से कौन कौन से ऐसे चेहरे जो खड़े हो सकते हैं? बताएंगे ना जी बात में, अभी क्या बता सकते हैं। नहीं अभी जैसे हीना दीदी अभी यहाँ पे जो विधानसभा जो चुनाव हुआ था वो हार गई हैं, है ना, तो क्या अभी लोकसभा चुनाव में क्या वो फिर से एंट्री करेंगी? क्या मालूम ये करती है क्या नहीं करती, तो कर सकती है वो। चलिए ठीक है भैया, आपको क्या लगता है कि हीना दीदी वापस से लोकसभा चुनाव में आएंगे यहाँ पर? अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि पार्टी उस पर निर्भर करेगी, मैं तो नहीं कह सकता, मेरे कहने से तो कुछ हो नहीं सकता, पार्टी उस पर निर्भर करेगी। हो सकता है कांग्रेस को मतलब मौका देती है, कोई नया चेहरा को देती है, कह नहीं सकते ना। अब हम मतदाता तो क्या मालूम इसके बारे में निर्णय। चलिए आप किसान हैं? यस। अच्छा सर, आपने अपने धान को जमा कर दिया? हाँ जमा तो कर दिए। अच्छा सर, कितने समर्थन मूल्य पर किया? अभी तो 2183 की रेट से किया, लेकिन यहाँ पर तो बोला गया था 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी किसान से करेंगे सोसाइटी में। उसका क्या हुआ? वो उसके बारे में बोनस के रूप में पैसा आएगा बोल रहे हैं। अच्छा कब आएगा सर? अब पता चलेगा कब आता है, तो चुनाव के पहले या चुनाव के बाद, ये नहीं कह सकते ना। बोनस के रूप में आएगा बोल रहे हैं, बोनस के रूप में आएगा ये बोल रहे हैं। अच्छा, और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई गैस जो है सिलेंडर, है ना, जो आज अभी हमारे एरिया में अभी बहुत सारी चीजों की कमी हो गई है, और जो गैस है उसका रेट एकदम हाईफाई जा रहा है ना। अभी 1100 कुछ रुपए में गैस मिल रही है ना, ठीक है, कहीं पर 900 कुछ रुपए मिल रही है, और साथ में जो आ रही सब्सिडी वो भी कम आ रही है ना। और जबकि भाजपा ने ये बोला था कि 450 रुपए में गैस देंगे, उसका क्या हो रहा है? उसके बारे में बताएंगे, अभी नया सीएम बैठा है, अब पुराना सीएम को तो चेंज कर दी पार्टी ने, नया सीएम क्या कर रहा है पता चलेगा। सर आप मुझे एक बात बताइए, अभी जो लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं, है ना, तो लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि उस समय क्या होगा, कि नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे या राहुल गांधी जी? ये तो लहर अभी मोदी जी की है। अच्छा। और मोदी जी का ही प्रधानमंत्री बनना तय है, लेकिन मोदी जी के तो मुद्दे बहुत सारे थे जिसमें से वो एक में भी सफल होते नजर नहीं आ रहा, उस पर आप क्या कहेंगे? अभी तो जनता का विचार है। अच्छा। जनता जिस पर भी डिपेंड कर दे, और जहाँ तक हमारा मानना है कि मोदी जी, लेकिन सर मोदी गारंटी में बोला गया था कि 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य और साथ में 450 रुपए में गैस, है ना, तो उसका क्या हुआ? वो तो मिले रहे ना सब्सिडी में, अभी कहाँ मिल रहा है सर? गैस का कहाँ मिल रहा है सर? सब्सिडी तो आई नहीं, केवाईसी करवा रहे ना घर घर जाके वो लोग। अच्छा, और धान का क्या हुआ? धान का तो चल रहा है अभी, 2100 रुपए ले ही रहे ना अभी तो। सर 3100 रुपए बोला गया था अभी देखो, लेकिन अभी अभी तो घोषणा हुआ है। अच्छा। अभी अभी सरकार, अभी विधानसभा हुआ है, आने वाला भी लोकसभा चुनाव है। हाँ। अभी उसमें देखा जाएगा, पता चलेगा आगे सरकार क्या। अच्छा, करती अगर मान लीजिए लोकसभा चुनाव तक के अगर बीजेपी अपने मुद्दों पर नहीं उतरती तो क्या उसका असर पड़ेगा? अभी तो आगे भविष्य को कोई नहीं जानता, वर्तमान जो चल रहा है उसकी हिसाब से जो स्थिति है वो सही लग रही है अभी तो फिलहाल। सर जी आप क्या कहते हैं, क्या इसका लोकसभा पर असर पड़ेगा अगर इन मुद्दों को पूरा नहीं किया गया? असर तो पड़ेगा ही। अच्छा, आप भी किसान हैं? मैं भी किसान हूं। आपने कितने समर्थन मूल्य पे धान दिया अपना? अभी तो 2100 कुछ रुपए है, 2183 रुपए, है ना। गवर्नमेंट ने बोला था कि 3100 रुपए में धान खरीदेंगे, उसका क्या हुआ? नहीं तो उसको बोनस के तौर पे देने वाली है ना गवर्नमेंट। मान लो नहीं मिला तो? नहीं मिला तो अगले सत्र में मिलेगा।
अच्छा अगले सत्र में मिलेगा, अगले सत्र तक आप इंतजार करेंगे? अगले वर्ष में अपने को फायदा मिलेगा, सभी योजनाओं का तो लाभ मिल ही रहा है अपने को। अच्छा कौन कौन सी योजनाएं हैं मोदी जी की जो उन्होंने लाभ? लाडली बहना योजना है। अच्छा ये मुख्यमंत्री योजना है? मुख्यमंत्री योजना है वो। मोदी जी की योजनाएं बताइए आप मुझे। वो दे रहा है ना वो किसान सम्मान निधि वाला। हाँ ठीक है, किसान सम्मान निधि दे रहे, उसमें भी 1000 रूपए बढ़ा कर देने वाले थे, उसका क्या हुआ? 2000 मिले? नहीं, इस माह से अभी 1500 देने वाले। इस माह से 1500 देंगे, यानी इसको भी टुकड़ों टुकड़ों में देंगे आपको, यानी 1500 से 1700, 1700 से 2000, जैसी लाडली बहनाओं को बोला गया है। जैसे उनके पास में राशि होगी वैसे वैसे देंगे। चलिए, आप प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखना पसंद करेंगे, राहुल गांधी जी का या नरेंद्र मोदी जी का? मोदी जी का। मोदी जी, चलिए ठीक। सांसद कौन बन सकता है अपने क्षेत्र से? लांजी विधानसभा क्षेत्र से दो पार्टी है यहाँ पर, कांग्रेस और बीजेपी, है ना? तो क्या कांग्रेस से हिना दीदी फिर से खड़ी हो सकती है? उनकी इच्छा है, हम तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, जो भी। अच्छा, तो यहाँ पर क्या रमेश भटेरे जी को टिकट मिल सकता है? पार्टी के ऊपर निर्भर करती किसको देती है, 8 विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर तो रमेश भटेरे ने काफी मेहनत करी थी पिछले 10 साल से, है ना? और हिना दीदी के हाथों से उन्होंने मतलब हार का मुंह उन्होंने देखा, ठीक है, और फिर एक नया चेहरा आ जाता है राजकुमार कर्राय जी का, जो कि जीत गए। तो क्या इस बार लोकसभा जो चुनाव होगा, क्या उसमें फिर से रमेश भटेरे जी का चेहरा लाएंगे सामने? 8 विधानसभा क्षेत्र है, बिल्कुल जीत सकता है, क्योंकि मोदी लहर के अनुसार तो जीत लेगा। लेकिन अच्छा, मोदी लहर की अगर अपन बात करें, मोदी जी ने अपने मुद्दों में कहा है 3100 रूपए धान का समर्थन मूल्य, दो मुद्दे अगर पूरे नहीं हुए मोदी जी के, तो क्या मोदी लहर चलेगी? घोषणा 5 साल का होता है, एक दिन 1 साल का नहीं होता है। अच्छा। पूरा घोषणा 5 साल का है और 5 साल में पूरा मोदी अपने गारंटी उसकी वो करेगा। नहीं, लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज देखा और हमने भी सुना है, मोदी जी ने अपनी भाषण में कहा था की 3100 रूपए समर्थन मूल्य से ही आप लोग का, किसानों का धान खरीदा जाएगा, है ना? जो की अभी ऐसा हुआ नहीं है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव के पहले के बोनस के रूप में डाल जाएगा? लोकसभा चुनाव के बाद में नहीं डालेगा, मई जून तक डालेगा, लेकिन डालेगा, उसकी मोदी की गारंटी है, बाकी की गारंटी नहीं है। अच्छा, मोदी की गारंटी है। अच्छा, मोदी की गारंटी पर भी रमेश भटेरे जी चुनाव जीत सकते हैं? हाँ, पार्टी का कोई भी आदमी हो उम्मीदवार, वो जीतेगा चुनाव बीजेपी का। चलिए, धन्यवाद आपका। अच्छा दीदी, मेरे को बताओ आपके क्षेत्र के विधायक का नाम क्या है? क्या मेरे को मालूम नहीं है, तो क्या बताऊंगी? यही तो बात है। अच्छा, सरपंच का नाम पता है? सरपंच का नाम? हाँ, आपके गांव का बाहेश्वर है। बाहेश्वर है ना? अच्छा, तो अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ था, ठीक है, तो वो जो जीते थे वो विधायक हैं, तो वो विधायक कौन है जो जीते थे? वो ये है, क्या बोलते हैं उसको, लांजी वाला। लांजी वाला? अच्छा, लांजी वाला। लांजी वाले का नाम है कुछ? अच्छा, याद करिए आप। कर रहे हैं। हाँ, क्या है? कर रहे हैं। राजकुमार कर रहे हैं जी। कर रहे हैं। ये आने वाले चुनाव में देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे? अब इसके बारे में क्या पता चलता आगे, आप भविष्य में कौन मान बता सकता है कि भाई, दो ही तो पार्टी है, गठबंधन हो गया है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, दोनों ने अपना अपना गठबंधन बना लिया है, अब दोनों टक्कर में जाएंगे, टक्कर में तो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि किसकी मतलब किसके प्रत्याशी से प्रधानमंत्री चुना जाएगा, मतलब कौन से पक्ष से हो सकता है? इसके बारे में मैं अभी निश्चित नहीं बता सकता। ग्रामीण क्षमता न्यूज से हूँ और यहाँ पर आज हम लोग सर्वे कर रहे हैं, चुनावी सर्वे, जो कि लोकसभा चुनाव होने वाले, ठीक है, तो विधानसभा चुनाव में बहुत सारे चेहरे बदल दिए गए थे, है ना? जहाँ मामा आने थे वहाँ यादव जी आ गए, ठीक है, जहाँ रमेश भटेरे को टिकट मिला था वहाँ राजकुमार यादव वो आ गए, कर्राय जी आ गए, तो क्या लोकसभा चुनाव में भी ऐसा कुछ होने वाला है क्या? इसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं? अच्छा। तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। पब्लिक तो आप भी हैं सर। हाँ, जिसका कार्य अच्छा रहेगा, जिसका काम अच्छा रहेगा, उसको जनता लाएगी। अच्छा, मुझे बताइए अभी तक के किन का कार्य आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा? तो बीजेपी का ठीक लगा। बीजेपी का ठीक लगा, क्या क्या सुविधाएं मिली आपको बीजेपी से? बहुत सारी सुविधाएं मिली, जैसे मुख्यमंत्री लाडली बहना, आवास, बहुत सारी चीजें, पीएम सीएम का जो पैसा मिल रहा है, अच्छा सब चीज अच्छा मिला। अच्छा। फायदा ही फायदा मिला। अच्छा, महंगाई पर आप क्या कहेंगे सर? महंगाई तो दिन दुनिया रात चौगुनी हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? महंगाई तो बड़ी, महंगाई कम होना चाहिए, है कि नहीं? कम होना चाहिए। तो अभी आप मुझे बताइए, आप मार्केट करके आ रहे हैं, आपको कैसा फील होता है अंदर से जब आप एक छोटा से थैले में इतना सारा पैसा डाल के लेकर जाते हो, तो कैसा लगता है? पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होता है, पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होता है। अभी दाल का रेट क्या चल रहा है भाई साहब? 180-200 दाल की क्वालिटी देख देख के। अच्छा, तो क्या महंगाई कम होनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से?
गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे कि हर चीज में थोड़ा रेट कम होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब मुझे बताइए लोकसभा जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आप प्रधानमंत्री जी का चेहरा किसका देखना पसंद करेंगे, राहुल गांधी जी का या नरेंद्र मोदी जी का? नरेंद्र मोदी जी का। क्यों भाई? इतनी महंगाई है फिर भी। और राहुल गांधी का तो चेहरा मतलब दिख ही नहीं रहा है अभी। हाँ चेहरा तो नरेंद्र मोदी जी का दिख रहा है, वही दिख रहा है। अच्छा, और भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में और कोई ऐसा नेता नहीं है क्या जो नरेंद्र मोदी की जगह पर खड़े हो जाए? अब कहीं नेता होगा तो हम क्या देखते हैं, गांव खड़े लोग जी। अच्छा। चलिए बहुत बहुत चाहे कांग्रेस की सरकार बने या बीजेपी की बने, लेकिन ये जो महंगाई अति जो बढ़ रही है, ये महंगाई ने किसानों की कमर तोड़ दी है, महंगाई कम होना चाहिए। दोस्तों ये था मध्य प्रदेश का एक बाजार हाट छोटा सा, जहाँ पर हमने लोगों से चर्चा करी और बहुत अच्छे आंसर यहाँ पर हमको मिले। बहुत सारे लोग यहाँ पर आज भी कंफ्यूज हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर भी बहुत सारी अटकलें यहाँ पर है। आगे की वीडियो में हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। मैं सावित्री दानी अपने सहयोगी दीपक कुथेकर जी के साथ, आप सभी को मेरा नमस्कार।